हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। टुडे वी विल रीड सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे डिफरेंट फूड आइटम्स की, फूड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, फिर फूड आइटम्स जो भी बनते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होती हैं, सामग्री, मतलब कोई भी रेसिपी को बनने के लिए जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिए, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अ मील मतलब होता है एक टाइम का खाना, ठीक है, जैसे वो दिन का हो सकता है, वो रात का हो सकता है, कोई भी मील, ठीक है, एक टाइम के खाने को मील कहते हैं। तो एक टाइम के मील में क्या क्या होता है, चपाती होती है, दाल होती है, ब्रिंजल करी एक ऑप्शन दे रखा है, मतलब बैंगन की सब्जी, इसके अलावा कोई और भी सब्जी हो सकती है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी, ठीक है। कुछ एक और मील का ऑप्शन दे रखा है जिसमें चावल है, सांभर है और किसकी सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन दे रखा है मील का जिसमें अप्पम है, फिश करी है और एक सब्जी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं कि कई बार होता है हम दाल चावल बनाते हैं या सांभर चावल बनाते हैं, कई बार हम छोटी सब्जी बनाते हैं, तो ये हमारे पास एक मील के ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक्टिविटी 1 है, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्रेन। हमने देखा कि या तो चावल एक टाइम के खाने में हमारे पास ग्रेन्स ज़रूर होते हैं। ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, जैसे अनाज में क्या क्या आता है, चावल आते हैं, गेहूं आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आता है। तो या तो हम रोटी खाते हैं या हम चावल खाते, तो होता है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे मील में एक बार अनाज ज़रूर आता है, एक अनाज ज़रूर आता है। और दूसरा क्या होता है, अदर आइटम कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। और दूसरा क्या होता है, दाल हो सकता है और मीट हो सकता है, सब्जियां होती हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। और इसके अलावा हम क्या क्या शामिल करते हैं अपने खाने में, दही शामिल करते हैं, छाछ शामिल करते हैं और अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। Select food item you depicted on map in chapter 1. Add some more meals to the list and enter these in table 2.1. ये table 2.1 है, इसमें आपको different regions दिए हुए हैं, जैसे ये पंजाब स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है, फिर ये grains के आइटम जैसे मक्की है, मक्की भी एक grain ही है, तो मक्के की रोटी, ठीक है, और ये राइस हो गया। फिर दूसरी चीज़, एक तो अनाज की बात की थी कि एक अनाज ज़रूर होता है, चाहे पंजाब हो चाहे आंध्र प्रदेश, लेकिन अनाज में क्या है, एक में मक्की की रोटी, एक में चावल आ गया। फिर दाल या मीट की बात की गई थी, इसमें राजमा हो गया, राजमा जो है दाल का ही उसमें आता है, और आंध्र प्रदेश में तुअर दाल होना होता है, यानी कि अरहर की दाल भी हम कहते हैं, ठीक है। फिर सब्ज़ी में पंजाब में मेन क्या होता है, सरसों का साग होता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कुंदरू परवल की तरह होते हैं, ग्रीन कलर के, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, पंजाब में कर्ड या घी, दही और घी, और इसमें छाछ, घी, पिकल, यानी कि अचार, ठीक है, ये है। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वैरायटी इन आर मील, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। पर कई बार क्या होता है कि हमें इतनी सारी वैरायटी नहीं मिल पाती खाने में। अगर हम किसी ट्रेन से जा रहे हैं, हमें कहीं जाना है और हम ट्रेन में हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमें हमारे पास आता जाता है हम वो खा लेते हैं, उस टाइम हमारे पास वैरायटी नहीं होती। तो आपको क्या लगता है, ये इतनी सारी वैरायटी जो होती है फूड की, ये क्या कारण है कि हम इतनी वैरायटीज़ जो होती है हमारे पास क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है, मतलब जो फूड्स होता है उसमें आइटम्स क्या क्या होते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ टू और वन और मोर इंग्रेडिएंट। हमें पता है कि कोई भी डिश बनाने के लिए, कोई भी सब्जी या कोई कुछ भी डिश बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान या सामग्री, ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड आवर बॉडी। जो ये इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ये जो सामग्री होती है, इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को
चाहिए होते हैं एंड दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होती हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड दैट आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, उनका नाम क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल है। इसके अलावा फूड में और भी कुछ होता है, वो होता है डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर, विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी। डाइट्री फाइबर और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डाइट्री क्या होता है? देखो, डाइट होता है खाना या भोजन, ठीक है, और डाइट्री हो गया एडजेक्टिव। तो खाने में या भोजन में एक फाइबर होता है, वो किस लिए होता है, हमारे को क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब ये हमें कोई एनर्जी या कुछ देते नहीं है जो फाइबर्स होते हैं, लेकिन इनसे जो होता है हमारा खाना जो होता है डाइट्री फाइबर से डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारे खाने में फाइबर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से वाटर का भी यही रोल है। जो ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम एक खाना लें, एक चीज़ लें, उसमें क्या सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सब सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। हम कुछ सिंपल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं पके हुए खाने में या कच्चे खाने में कि इनमें एक न्यूट्रिएंट होता है या ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं या कितने न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हमें टेस्ट करना हो जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फैट्स का, तो ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले काफ़ी आसान होते हैं। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। हमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? या तो आयोडीन के सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की और कास्टिक सोडा की। तो क्या करना होगा? इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स कैसी होती हैं? टेस्ट ट्यूब हमारी इस टाइप की होती हैं। ठीक है, और ड्रॉपर जिससे हम ड्रॉप करके, वो होता है ना छोटा सा, वो ड्रॉपर इस टाइप से, ठीक है, उससे हम थोड़ा थोड़ा मतलब ड्रॉपिंग करके डाला जा सकता है। ठीक है, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ। फिर उसके बाद ये टेस्ट करने को बोला गया कि आप ये कच्चे आइटम्स पे, पके हुए खाने पे या कच्चे खाने पे किस पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसी खाने में है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी टाइप के होते हैं, बट जो दो मेन कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे फूड में होते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्च एंड शुगर। क्या होते हैं? स्टार्च और शुगर दो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेन दो मेजर होते हैं वो हैं स्टार्च और शुगर, जो हमारे खाने में मिलते हैं। तो हम इसका इजीली पता लगा सकते हैं कैसे। सबसे पहले टेस्ट करेंगे स्टार्च का। इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स, मतलब कच्चा कुछ भी ले लेंगे, कच्चा खाना ले लो या पका हुआ खाना ले लो, उसको एक उसमें डाल दो, टेस्ट ट्यूब में डाल दो या थोड़ा सा ले लो उसे, और उसके ऊपर दो तीन ड्रॉप डालो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब मिला हुआ आयोडीन का सॉल्यूशन की। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। मतलब टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, आधा टेस्ट ट्यूब में पानी लोगे और उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स की टिंचर आयोडीन डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा? आपका डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के अगर बनाना होगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, 100 मिलीलीटर पानी में आप क्या करोगे, 2 ग्राम के करीब कॉपर सल्फेट डाल दोगे, तो वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर कास्टिक सोडा की बात की जाए तो उसके लिए 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिसॉल्व करना होगा, मतलब हिलाना होगा, और वो जब घुल जाएगा अच्छे से तो वो हमारा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले अभी हमने जो कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टार्च का टेस्ट किया था, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है,
तो आयोडीन सॉल्यूशन आपको पता चल गया अब कैसे बना है, तो उसके ऊपर हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो अगर उसका कलर जिस खाने पर भी हमने ये दो तीन ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के ऊपर डाला है, अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक मतलब डार्किश ब्लू, मतलब जो ब्लैकिश जैसा लगता है वैसा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर स्टार्च है, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च, अगर ब्लू ब्लैक कलर होता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। अगर आप इसके लिए इसी टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स में भी वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी खाने में स्टार्च होगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, ब्लू ब्लैक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाएगा या प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए अगर आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक में हो जाता है तो वो उसमें स्टार्च होता है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा आप अगर ये वीडियो दो तीन बार देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है, हमें फूड आइटम लेना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है। अगर वो फूड आइटम इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड में है मतलब कोई हार्ड है, तो आपको क्या करना होगा, उसका पेस्ट बनाना होगा। अगर लिक्विड है मतलब कोई सब्जी सुब्जी है या कोई वैसे है तो फिर उसको ऐसे ही ले लो, अदरवाइज़ अगर सॉलिड है तो उसको क्या करो, उसका पाउडर बना लो या उसको ग्राइंड कर लो, सॉरी ठीक है, उसका पेस्ट बना लो और फिर उसको क्या करो, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसके ऊपर डालो 10 ड्रॉप वाटर की, ठीक है, एंड शेक इट, शेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जब आपने 10 ड्रॉप पानी की डाली, उसके बाद 2 ड्रॉप डालनी है आपको कॉपर सल्फेट की, ठीक है, किसकी डालनी है, 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट की, एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा की। तो ये दोनों चीज़ डालनी है, इसका वो ध्यान रखना, 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। तो जब आप ये दोनों डाल देंगे, आप उसको शेक करेंगे मतलब हिलाएंगे और कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, अगर तो उसका कलर वायलेट में चेंज हो जाएगा, वायलेट कलर मतलब होता है बैंगनी कलर, जैसे बैंगन का होता है ना ऐसा कलर हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रोटीन है। अगर ये कलर ऐसा नहीं आता तो दैट मीन्स कि उस खाने में, उस फूड में प्रोटीन नहीं है, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या है, वायलेट कलर आना चाहिए, वायलेट कलर आता है तो यहाँ उसमें प्रोटीन है। और क्या क्या मिलाते हैं उसमें, 2 ड्रॉप हमें मिलानी है कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप हमें मिलानी है कास्टिक सोडा की, ओके उसके बाद है टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है। आप कोई भी खाना लीजिए, सपोज आप पराठा लीजिए या पूरी लीजिए, ठीक है, उसे पेपर पे लपेट दीजिए मतलब क्रश कर दीजिए, होता है ना जो मतलब मरोड़ तोड़ के फिर उसे क्रश कर दीजिए, अगर पेपर के ऊपर वो ऑयल ऑयल सा आ जाता है, ऑयली पैच बन जाता है, तो दैट मीन्स कि उसमें फैट है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, हमें फैट का इजीली पता चल जाता है। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेफ्ट द पेपर ड्राई फॉर वाइल। कई बार क्या होता है, खाने में पानी भी होता है तो आप उस जो पेपर था उसको थोड़ी देर रख लीजिए ताकि सूख जाए, और सिर्फ अगर उसमें घी घी आ जाता है, ऑयल ऑयल आ जाता है, दैट मीन्स कि उसमें क्या है, फैट है, ओके। सो अभी हमने जो टेस्ट किए, सो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, क्या इन टेस्ट से क्या पता चलता है, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। क्या एक खाने में फैट्स प्रोटीन स्टार्च सभी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, क्या कोई ऐसा फूड भी है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने एक फूड आइटम को 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए एंड फैट्स के लिए। उसके अलावा और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि फूड आइटम्स में होता है। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत आखिर क्यों होती है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी,
ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं, ठीक है, ये करते क्या हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी बॉडी को इनके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले जो हमने टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमारा इसका कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि एनर्जी गिविंग या एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी गिविंग फूड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, तो फैट भी हमें एनर्जी देता है, इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, आ गया। फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट तो रहा भाई, एनर्जी गिविंग फूड हुआ, एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात आती है ग्रोथ की, ठीक है। छोटे बच्चों का होता है ना कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन होना, प्रोटीन ज़रूर देना चाहिए, दालें ज़रूर होनी चाहिए, तो ग्रोथ करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करवाता है वो हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी की रिपेयर करता है, मतलब जो भी टिश्यूज़ वगैरह टूट फूट जाते हैं उनकी मरम्मत करता है। तो ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट के, अभी ये जो सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है, सम सोर्सेज दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें आपका व्हीट है, राइस है, बाजरा है, आलू है, स्वीट पोटैटो है, आलू है, शुगर केन है, पपाया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जाता है तो आप दो तीन ये याद कर सकते हैं, देखो राइस सब खाते हैं, व्हीट सब खाते हैं, ठीक है, और आलू सब खाते हैं, तो आप ये दो तीन याद कर लीजिए तो आपको इजीली याद रहेगा, क्योंकि हम चावल या रोटी तो खाते ही खाते हैं, रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज क्या क्या हो गए, राइस हो गया, व्हीट हो गया और पोटैटो, ठीक है, ये तीन याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका फैट के सोर्सेज, फैट का तो भाई सबको पता है, घी होता है, ऑयल होता है, ठीक है, नट्स हो गया, तिल का तेल हो गया, तिल हो गया। इसके अलावा अगर नॉन वेज मतलब प्लांट से, ये तो है प्लांट्स से, ठीक है, और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से क्या क्या है, ये फिश है, मीट है, मिल्क है, घी है, बटर है, ये सारे एनिमल सोर्सेज हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में है सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्सेज, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। प्रोटीन के सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आया है, मूंग, तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, बीन्स हो गए, राजमा, सोयाबीन हो गया, पीस हो गया, और आपका प्लांट, ये तो है प्लांट से। और अगर हम एनिमल से बात करें, एनिमल से कौन कौन से प्रोटीन के सोर्सेज हैं, मीट है, फिश है, मिल्क है, पनीर है, एग्स है, ये क्या है, किसके सोर्स है, हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन को कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को कहते हैं, ओके। इसके बाद है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जो ये तो था इनका काम न्यूट्रिएंट्स का, अब विटामिन का क्या रोल है, विटामिन का रोल है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, किसी भी बीमारी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारी जो आईज हैं और बोन्स हैं, टीथ हैं, इन सबको हेल्दी रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स का नोन बाय डिफरेंट नेम, विटामिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और इसके अलावा एक और ग्रुप है विटामिन का, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी बॉडी को सारे विटामिन की ज़रूरत होती है, मतलब थोड़ा 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 सारे विटामिन होना चाहिए, विटामिन ए भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए, ठीक है, विटामिन डी भी होना चाहिए। विटामिन डी का मेन सोर्स तो भाई धूप है, ठीक है, जो धूप में, मतलब कहते हैं ना सवेरे सवेरे की धूप होती है, धूप में थोड़ा बहुत हमें खेलना कूदना चाहिए, तो विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स है। अब आती है विटामिन ए, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज़ हेल्दी। विटामिन ए का क्या रोल है, ये हमारी आईज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी, विटामिन सी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, मतलब डिजीज़ से लड़ने के का, डिजीज़ से लड़ता है, मतलब ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी करता है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू
यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब उसको यूज़ करता है। विटामिन डी के ज़रिए हमारी बॉडी कैल्शियम को यूज़ अच्छे से कर पाती है, ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिंस आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2। ये जितने भी हमने अभी सोर्सेज पढ़े हैं ये सारे हमने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से विटामिन के वो होते हैं। अब यहाँ जो है ये सॉरी प्रोटीन के वगैरह के पढ़े हमने, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के, ये जो हैं हमारे पास विटामिन के सोर्सेज हैं। जैसे ये विटामिन ए का है पपाया, कैरेट, मैंगो, उसके बाद विटामिन बी का ये है, ठीक है, और विटामिन बी का हो गया, फिर विटामिन सी का तो ये है टमाटो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, लेमन बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है। अब विटामिन सी का आप आंवला और लेमन अच्छे से याद कर लो। अभी जैसे कि कोरोना वायरस भी चल रहा है आप लोगों को पता होगा, तो उसमें कहते हैं ना आपकी विटामिन सी अच्छे से, नींबू अच्छे नींबू खाओ, आंवले की कैंडी खाओ या आंवले का मुरब्बा या आंवला अपने खाने में शामिल करो, तो विटामिन सी से क्या होता है डिजीज़ से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी, विटामिन डी एक तो मैंने आपको बताया धूप होता है, उसके अलावा दूध होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, लीवर, फिश, एग्स, ये हमारा क्या हुआ विटामिन डी का। सो मिनरल्स, इसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक का क्या होता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, हमारी गुड हेल्थ को रखने के लिए, अच्छी हेल्थ को रखने के लिए ज़रूरी होता है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ये मिनरल्स दे रखे हैं हमारे पास, जैसे ये आयोडीन के सोर्सेज दे रखे हैं, फिर उसके बाद ये फॉस्फोरस के सोर्सेज दे रखे हैं, ये आयरन के सोर्सेज हैं, ये कैल्शियम के सोर्सेज हैं, ठीक है। फिर हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। हाँ, हालांकि होता क्या है, अगर हम एक देखो एक खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, लेकिन किसी एक ही खाने में कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम पालक की बात करें, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, राइट। किसी को अगर आयरन की कमी है तो सबसे पहले क्या कहते हैं डॉक्टर कि एप्पल खाओ या पालक खाओ, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसके अलावा इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेब और पालक में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो किसी भी फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें आगे अपना भी एग्जांपल दिया हुआ है, राइस हैज़ मोस्ट कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। राइस में, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब राइस में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइट्री फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइट्री फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइट्री फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। रफेज जो है ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट में मिलते हैं, हमारे खाने में होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जो क्या कहते हैं, पल्सेस हो गई, आलू हो गया, और फ्रेश फ्रूट्स और कच्ची सब्जियाँ, ये मेन सोर्सेज होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आर बॉडी। रफेज जो होते हैं हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी में एक एसेंशियल कंपोनेंट, मतलब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इससे क्या होता है, इसे खाने से हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका एक्सक्रेशन हो जाता है, ठीक है ना भाई। हम जो खाते हैं कुछ पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट वो अनडाइजेस्टेड फूड भी तो निकालना ज़रूरी होता है ना। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हम सब रोज सवेरे जाके उसको एक्सक्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन करता है, उसमें उसका किस में अहम रोल निभाता है, कौन निभाता है, वो है रफेज, ओके। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स जो है ना हमारे खाने में उसको एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आर सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट हैं उसको निकालने में भी
हेल्प करता है, जैसे वो पसीने के ज़रिए निकालने में या फिर यूरिन के ज़रिए निकालने में, ठीक है। तो ये वाटर हमारी इस तरीके से हेल्प करता है, जितनी भी वेस्ट है उस हम पानी पीते हैं तो हमारी वेस्ट जो बॉडी की वेस्ट है वो किस कैसे निकलती है, या तो पसीने के थ्रू निकलती है या फिर यूरिन के थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर देन आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। हालांकि हम पानी जो हमारी बॉडी को नीड है फिर भी उससे ज़्यादा पीते हैं। जैसे एक तो पानी के तौर पे तो हम पानी पीते ही हैं, जब प्यास लगती है पानी पीते हैं। उसके अलावा देखो चाय बनती है उसमें भी पानी होता है, दूध में पानी होता है, और इसके अलावा हम जो सब्जी बनाते हैं सब्जी में पानी होता है, रोटी बनाते हैं रोटी को बनाने के लिए आटे में हम पानी गूंथ के ही तो आटा बनता है ना, तो वो उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में पानी जाता है। अब यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टोमेटो लो या फिर एक कोई फ्रूट लो जैसे कि लेमन की तरह, मतलब नींबू की तरह, कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। अब कोई आप टमाटर काट रहे हो तो आपके हाथ गीले होते हैं ना, थोड़ा बहुत तो हाँ थोड़ा सा लगता है ना, तो यानी कि क्या है कि उसके अंदर भी वाटर ही है, ठीक है, उसके थ्रू भी हमें वाटर मिल ही रहा है। We see that many food material themselves contain water. तो हमें क्या पता चला इससे कि काफ़ी food material में भी पानी होता है। To some extent our body need are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. तो पानी हमारी body में एक तो food के ज़रिए, fruits के ज़रिए और खाने में cook food के ज़रिए, और हम वो पानी पीते हैं उसके ज़रिए, इस तरीके से हमारी body में पानी जाता है। अब है balanced diet. Balanced diet क्या होता है? The food we normally eat in a day is our diet. जो खाना हम डेली खाते हैं, ठीक है, एक दिन में, उसे कहते हैं डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। लेकिन ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, सही क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो भी हमारे लिए सही नहीं है, और बहुत कम खाएंगे वो भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। इसके अलावा भाई न्यूट्रिएंट्स तो सारे होने ही चाहिए, इसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए? रफेज भी जरूर होना चाहिए। रफेज क्यों होना चाहिए? उससे अनडाइजेस्टेड फूड हमारा निकल जाएगा। और वाटर भी होना चाहिए, वाटर से भी हमारे वेस्ट जो है बॉडी की वो वेस्ट वो निकल जाती है यूरिन के जरिए और स्वेट के जरिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस needed the same type of diet? क्या तुम्हें लगता है कि सारी एज के आदमी, मतलब बच्चा, जवान, बूढ़ा, सबको सेम डाइट की ज़रूरत होती है? Do you also think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या balanced diet जो है हम जो काम करते हैं उस पर भी depend करती है? देखो अगर एक labor की बात करें तो वो मेहनत का काम ज़्यादा करता है, right? तो उसको क्या वही डाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो एक ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है, एक ऑफिस में बैठा हुआ है और वो सिर्फ सारा दिन टेबल चेयर पे बैठा रहता है लेकिन उसका दिमागी काम हो रहा है, तो क्या उन दोनों को सेम डाइट की ज़रूरत होगी? नहीं, क्योंकि अगर वो इसी टाइप की, देखो जो लेबर होगा उसे एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो मेहनत का काम ज़्यादा कर रहा है, जबकि जो ऑफिस में बैठा हुआ है अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड खाएगा तो उसको इतना वो नहीं है, उसको तो दिमागी तौर पर ज़्यादा चाहिए ना। तो हर एक की डाइट उसके हिसाब से, उनके वर्क डिपेंड के हिसाब से भी अलग अलग होती है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ पीरियड ऑफ वीक। आप एक चार्ट तैयार कीजिए जो भी आप खाते हैं, वेदर ऑल न्यूट्रिएंट मेंशन आर प्रेजेंट इन, क्या आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, बनाना, स्पिनच, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड आइटम प्रोवाइड मैनी। तो ये जितने भी हमारे ये जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें महंगा महंगा खाना खाने से ही बैलेंस डाइट मिलेगी, ज़रूरी नहीं है, हम सस्ता खा के भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। सही टाइप का खाना, मतलब राइट काइंड का खाना खाना जरूर
वही काफ़ी नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ये सही से पका हुआ भी होना चाहिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ख़त्म ना हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या तुम्हें पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कुकिंग में खाना बनाते टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं? इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग ऑन पीलिंग दैम, अगर जैसे कोई सब्ज़ी और फ्रूट्स हैं उनको आप छीलने के बाद धो देते हो तो उनके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, उससे क्या होता है कुछ विटामिन्स उनके ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्किन जो होती हैं उनमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। जैसे एप्पल की बात करें, अगर हम एप्पल छीन के खाएंगे, पील करके खाएंगे, तो उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एप्पल को छील के नहीं खाना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम, इसी तरीके से बार बार चावल और दाल को भी ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। अगर हम ज़्यादा धोएंगे तो उसके विटामिन और मिनरल्स जो उसमें हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट, हम सब जानते हैं कि खाना पकाने से क्या होता है, खाने का टेस्ट बढ़ता है और ये इजीली डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर उसे भी ओवर कुक कर दे, मतलब किसी खाने को ओवर कुक कर दे, मतलब ज़्यादा पका दे, तो भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी जो होगा वो, और इसी तरीके से अगर उसमें पानी ज़्यादा होगा तो वो भी कुकिंग में भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए खाना बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको ओवर कुक ना करें, ठीक है, और पानी भी उसमें उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो। ओवर वाटर डालने से भी उसका सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, सॉरी डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है कभी भी, मतलब हमेशा इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जैसे ही कुक किया जाता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल इट टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट, क्या ये ज़रूर सही नहीं है कि कुछ फ्रूट्स को या कच्ची सब्जियों को हम अपनी डाइट में शामिल करें? जैसे कच्ची सब्जी कैसे होते हैं, खीरा हो गया, खीरे को हम अपनी डाइट में शामिल कर लें, मूली को हम जैसे सलाद के तौर पे शामिल कर लें, कच्ची खा रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक बोझो है, उसने सोचा कि भाई जो फैट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, तो वो क्या करता था, एक कटोरी फैट, उस एक वन कटोरी और बाउल ऑफ अ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसने सोचा कि एक कटोरी फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं जबकि कार्बोहाइड्रेट से, तो उसने क्या किया, कुछ और नहीं खाया, सिर्फ क्या खाया डेली, उसने फैट डेली खाना शुरू किया। तो वो क्या खाता था फैट के लिए, समोसा खाता था, पूरी खाता था, मलाई, रबड़ी, पेड़ा यानी कि स्वीट्स खाता था। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या वो सही था? नो, ऑफकोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up suffering from condition called obesity. नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि इससे ज़्यादा जो हमने ये खाया है फैट रिच फूड खाया है, इससे हमारी बॉडी को obesity, obesity होता है मतलब मोटापा, ठीक है, उससे क्या होगा, मोटापा आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमेशा बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, कमी, डेफिशिएंसी होती है मतलब किसी चीज़ की कमी, डिजीज़ मतलब बीमारी, किसी चीज़ से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होने वाली बीमारी। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, एक आदमी है उसको खाना जो है सही मात्रा में खाना चाहिए, बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, पर कुछ टाइम होता है कि उसमें सारे कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये चीज़ मतलब सपोज़ कोई एक न्यूट्रिएंट लंबे टाइम तक उसने नहीं खाया तो उसके कारण क्या होगा, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी, तो उसे उस चीज़ की कमी हो जाएगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, तो डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में जब उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ दैट, डेफिशिएंसी ऑफ उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे हमें हो जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इज हर फूड और फॉर अ लॉन्ग टाइम ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर किसी आदमी ने लंबे टाइम तक प्रोटीन रिच फूड नहीं खाया, मतलब प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लिया लंबे टाइम तक, तो क्या होगा,
उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, बालों का कलर मतलब ग्रे होना शुरू हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम, डायरिया, ये सब हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसकी डाइट में लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उसकी ग्रोथ जो है कम्प्लीटली रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत पतला और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चलने लायक भी नहीं रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अगर विटामिन, इसी तरीके से अगर हम विटामिन की डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर लंबे टाइम तक वो विटामिन नहीं लिया तो भी उसे डिजीज़ या बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ टेबल 2.3 में कुछ विटामिन की कमी के कारण क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं वो लिखी हुई हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, एंड आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाएगा, ठीक है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके सिम्टम्स है कि विटामिन, जब लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन क्या होता है, मतलब देखने की शक्ति कम हो जाना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि विटामिन ए हमारे किस लिए ज़रूरी होता है, आईज़ और हेल्थ, आईज़ के लिए ज़रूरी होता है, स्किन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपको इसे, वैसे इसको आपको ये याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे तक आपके काम आएगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ ज़रूर याद कर लेना, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी से, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बी फॉर बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी, बी बेरी बेरी बी, सी फॉर स्कर्वी, सी स्कर्वी, ठीक है। डी से आपको पता ही है रिकेट्स हो जाता है, कैल्शियम बोन और टूथ के लिए अच्छा है, आयोडीन गॉइटर के लिए। सिम्टम्स यानी कि लक्षण, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा, रात में दिखना कम हो जाएगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। बेरी बेरी से क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, मसल्स वीक हो जाएंगी, बहुत एनर्जी कम रह जाएगी, और स्कर्वी का ब्लीडिंग का मतलब मसूड़ों में से खून निकलना, और जो जख्म होते हैं उन्हें भरने में ज़्यादा टाइम लगना, और विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स होता है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, ठीक है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत गिरने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से जो गॉइटर होता है उसके सिम्टम्स क्या हैं, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो हमारे नेक में, जो गले में ग्लैंड्स होते हैं वो सूजने लग जाते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में, और आयरन की कमी से वीकनेस आ जाती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन से देखा कि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स का होना और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी सारे होने चाहिए और वो भी बैलेंस्ड होने चाहिए, राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए, ओके। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही इंग्लिश की भी वीडियोस बनाती हूँ, साइंस की भी बनाती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय।